जिथे पहला ही पंजाब दे सरकारी हस्पतालां विच डॉक्टरां दीआं असामियां खाली पईआं ने, उत्थे ही बीते दिनां दौरान बठिंडा ते गिद्दड़बाहा दे सिविल हस्पतालां विच चार डॉक्टरां वल्लों अस्तीफे दित्ते गए ने, जिन्हां विच सिविल हस्पताल बठिंडा दे डॉक्टर जयंत अग्रवाल, डॉक्टर दीपक गुप्ता ते डॉक्टर रमनदीप गोयल अते गिद्दड़बाहा दे सिविल हस्पताल चों डॉक्टर राजीव जैन ने अपनी सरकारी नौकरी तों अस्तीफा दित्ता। इस संबंधी डॉक्टर राजीव जैन ने दस्सिया कि उन्हां ते दबाव इन्ना ज़्यादा बनिया होया सी कि वह मरीजां नूं समां नहीं सी दे पा रहे। उन्हां दस्सिया कि अस्तीफे तों बाद हुण उन्हां ने अपना क्लीनिक खोलिया। कारण इहदा इही सी कि पेशेंट लोड एक्चुअली काफ़ी वध गया सी पिछले साल तों, ते पेशेंट लोड ज़्यादा होने के मैंटल स्ट्रैस बहुत ज़्यादा सीगा, इस करके पेशेंट ज़्यादा होने करके मैं टाइम नहीं दे पा सकता पेशेंट, पेशेंट बड़े खराब हो रहे थे। फिर मैं ही सोचा कि रिजाइन करके आपका 24 आवर स्टार्ट करा जी। हाँ, एक्चुअली मेरी शिफ्टिंग पहला भी 2-3 बारी हुई है, पर विधायक साहब ने पहला ही बदलाते ऐतकी भी उन्होंने फोन आया से मैंने कि मैं चेंज करवा देना, पर मेरे ही मन ऐतकी बारी है नहीं सी करन दा, क्योंकि स्ट्रैस बहुत ज़्यादा। बाकी 15 दिन की हाँ सही गल है, 15 दिन मैंने फरीदकोट जाना पैंदा सीगा, उन्होंने जिहड़े गिदड़वे दे पेशेंट सीगे वो मेरे उन्होंने वास्ते कोई है नहीं सी उरे, ते वो पेशेंट लाचार हो जाने सीगे। इन्हों सोचते हुए फिर मैं बेहतर समझा कि सरकारी नौकरी छड्ड दें जी। उधर गिद्दड़बाहा दे सीनियर मैडिकल अफसर डॉक्टर परमवीर सिंह ने दस्या कि डॉक्टर राजीव जैन दे अस्तीफा देने नाल हस्पताल नूं काफ़ी ज़्यादा फर्क पिया। उन्हां कहा कि महामारी दे चलदिआं डॉक्टरां दे मोढ़िआं ते काफ़ी ज़्यादा जिम्मेवारियां ने अते उन्हां नूं टेंशन भी काफ़ी ज़्यादा रहिंदी है। कारण बारे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बस जिथों तक रिजाइन देने का संबंध हैगा वो एक अपना कोई उन्हां दा निजी फैसला सीगा, पर उन्हां दे रिजाइन देने नाल साढ़े हॉस्पिटल नूं बहुत वड्डा लॉस हैगा। साढ़े बहुत अच्छे कुलीग सीगे, पर उन्हां कोले ओपीडी भी बहुत ज़्यादा सीगी, इनडोर भी काफ़ी साढ़े रहिंदा हुंदा सीगा। डेफिनेटली उन्हां दे जान करके जिहड़ियां साढ़े हॉस्पिटल दी ओपीडी ते इनडोर काफ़ी इफेक्ट करेगा। असी डॉक्टर साहब दा रेजिग्नेशन नूं उपर फॉरवर्ड कर दिता हैगा हायर अथॉरिटीज़ नूं, ये हुण उन्हां ते हैगा भी उत्थे हुण कोई इत्थे MD मेडिसिन होर डिप्यूट करदे है या नहीं करदे, ते पेशेंट जरूर खराब हुंदा। उत्थे ही बठिंडा दे सीनियर मैडिकल अफसर डॉक्टर मनिंदर सिंह ने दस्या कि तीनों डॉक्टरां दे अस्तीफा देण नाल सिविल हस्पताल नूं काफ़ी ज़्यादा घाटा पिया। इस मौके उन्होंने सेहत विभाग तो हस्पताल विच स्टाफ रखण की भी मंग की है। साढ़े सिविल हस्पताल चो 3 डॉक्टरां ने अस्तीफा दिता, डॉक्टर जयंत अग्रवाल ते डॉक्टर रमनदीप गोयल, दोनों मैडिकल स्पैशलिस्ट ने, एक डॉक्टर दीपक सीगे वो आई स्पैशलिस्ट सीगे। की कारण की है जी अस्तीफा? देखो जिहड़े डॉक्टर जयंत ते डॉक्टर रमनदीप ने घरेलू कारण लिख के अस्तीफा दिता, डॉक्टर दीपक उन्होंने उन्होंने हसबेंड पहले एयरफोर्स से, उन्होंने भी एयरफोर्स जॉब मिल गई, वो इतों छड़ के एयरफोर्स च। तो एकदम जिवें करोना वायरस भी चलता पे है, काफ़ी पेशेंट बहुत आ रहे हैं, तो प्रभावित होणगीआं सेवावां क्योंकि डॉक्टर 3 जिहड़े चले गए। देखो 2 डॉक्टर के जाने नाल लोड तो वधूगा बाकी डॉक्टर के, पर यह भी डॉक्टर फिर जो फील्ड जो किसी की ड्यूटी लवा के कम तो चलूगा बिल्कुल, पर दूजे बाकी डॉक्टर बच जाते उन्होंने लोड बच जाती। हायर अथॉरिटी ने मांग की है जी, हो डॉक्टर से डॉक्टर चले गए इन्होंने जगह जो अभी इनफॉर्मेशन भेजनी होंगी आपके सरपंच साहब को, अभी भेजती है वह जो ऑर्डर तो उपरों होने ना सरकार के लैवल से ऑर्डर होंगे डॉक्टर ये पूरे नहीं सके, असं पहला भी डॉक्टर बहरों फील्ड चो सिविल सर्जन साहब ने साढ़े को लाए हुए है, वो ड्यूटियां कर रहे हैं, ही कम चल रहा है। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ।